यहाँ कुछ सवाल देखते हैं जो लाइव चैट में भी सामने आ रहे हैं। नीलकंठ देवरे जी का सवाल है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स पर, 383 की खरीद है, कह रहे हैं कि 1 साल के लिए रुक सकते हैं इसमें। ये स्पेलिंग सही है क्या? मेरे ख्याल से एल ए एक्स एम ई था इसका। हाँ एल ए एक्स एम ई। ओके जी लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स आपने 383 पे खरीदा है। नीलकंठ जी आपने गलत जगह खरीदा है। देखिए यही कह रहा हूँ, फोमो में जाके नहीं खरीदना चाहिए। आपने अगर खरीदना था लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स पॉइंट नंबर वन, तो आपने खरीदना था अराउंड 335। अगर आपने खरीदना था किसी हिसाब से आप जाके देखिएगा, आप उस समय भी अपना जाके अगर आप चार्ट देख के खरीदते हैं या फंडामेंटल से खरीदते हैं, जिस जिस हिसाब से भी देखना है, आपने जहां पे खरीदा है वहीं पे जाके तो अपने 200 डीएमए से लड़ाई कर रहा था, तो आपने इसको क्लियर करने ही नहीं दिया। इसने लड़ाई जीती ही नहीं, लड़ाई हार गया। तो लड़ाई हार गया तो हम खरीदें क्यों? मैं एजुकेशन स्टैंड पॉइंट से बता रहा हूँ, प्लीज ये आप ये नहीं समझे कि आपकी क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं एजुकेशन स्टैंड पॉइंट से बता रहा हूँ, अगर आप कभी अटेम्प्ट करें तो जो बंदा लड़ने की कोशिश कर रहा है तो या तो जीत ले या हार ले, बीच लड़ाई में तो पता नहीं चलेगा। तो ये हार गया, वहां पे खरीदना ही नहीं चाहिए था। 335 पे खरीदने का बनता था और वहां से आपको ये 20% दे भी चुका था रिटर्न। जी अब इसका मामला ठीक नहीं है। ओके मामला क्या है? मामला ऐसा है कि मैक्सिमम ये कंसोलिडेशन में जाएगा, क्योंकि मुझे पास ऐसा कोई भी इंडिकेटर पैरामीटर नहीं है जो कि इसको 275 के पहले वैर करार दे सके। ये मैक्सिमम करेक्शन ही करार दे पाऊंगा मैं इसको। तो 275 और करेंटली है ये 295 के आसपास, 300 के आसपास। ये रेंज अभी भी इसका सेफ्टी नेट रेंज है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या करेगा? मुझे लगता है इसमें धीरे धीरे वेट करना चाहिए कि एटलीस्ट ये 286 वाला जो बॉटम है ये रुक जाए। अगर ये 286 वाला बॉटम रुक जाता है तो फिर फाइनली हम इसमें हायर लो की एनालिसिस शायद आगे जाके लेके आ पाए। ये इसलिए आपको बता रहा हूँ कि पहला चीज आपने क्या देखना है, जो कि आपने हाई लेवल पे खरीदा है तो आपने ये देखना है कि 287 अगर रुक गया तो धीरे धीरे ये आपके प्राइस की तरफ जाएगा, और हो सकता है कि आपके प्राइस की तरफ आएगा तो आपको थोड़ा प्रॉफिट भी दिलाएगा, लेकिन उसमें लगेगा अभी बहुत टाइम। ये मैक्सिमम कंसोलिडेट करेगा अभी महीना, 2 महीना, 3 महीना हो सकता और फाइनली क्या इसमें सुमेश डब्ल्यू जैसा स्ट्रक्चर बनने की संभावना दिखती है, मतलब अच्छे खासे लंबे इंतजार के बाद, मतलब ये नहीं कि कल परसों में हो जाएगा या 2-4 हफ्ते में, लेकिन जितने समय में डब्ल्यू का पहला हिस्सा बना है उतना समय तो ले ही लेगा, 6 महीने का, साल भर का। देखिए चांसेस हैं, क्योंकि ये जो जनाब है इन्होंने रफली 1.5 साल, 1.25 साल से कोई रिटर्न दिया नहीं है, 1.5 साल से कोई रिटर्न नहीं दिया, तो ये इतना बड़ा कंसोलिडेशन है कि इसमें कुछ तो कमाई हुई होगी। मुझे पता नहीं, ये प्रॉफिटेबल कंपनी है ना, अगर प्रॉफिटेबल कंपनी है तो कमाई तो हुई ही होगी। लक्ष्मी ऑर्गेनिक तो हाँ कमाई तो कर रहे हैं ये। ओके तो इतने समय के कंसोलिडेशन में ये चीज है कि ये अपने आप को थोड़ा सस्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उतने भी सस्ते नहीं है। इसलिए इसमें अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पे ये कंसोलिडेट करे, क्योंकि ऐसा इसमें कोई भी फायर पावर नहीं है कि वैल्यूएशन के हिसाब से कि यहाँ से रन अवे रैली ले ले। इसलिए इसको 1-2 क्वार्टर कंसोलिडेट करना ही पड़ेगा टू मेक इट काइंड ऑफ मेक एन एंट्री इन टू बाइंग कैटेगरी। इसलिए अभी इसमें टाइम लगेगा। और कुछ ऐसा यहाँ से नहीं रहा नेगेटिव कि यहाँ से बहुत टूट जाए, तो क्या दिख रहा है मैक्सिमम हो सकता है ये ऐसे ही लड़ते लड़खड़ाते आपको 1-2-3 महीना और देगा, और जैसे जैसे क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे उसके बेसिस पे इसके लेवल बनेंगे। अब जब तक 200 डीएमए के ऊपर क्लोज लेना नहीं शुरू करेगा कोई इसकी बाइंग की एनालिसिस नहीं है। हो सकता है कि एक बार ये रीटेस्ट करे 275 के आसपास का बॉटम, विद सम डिविएशन होता है वैसा, और फिर ये एक फाइनल बॉटम बना के निकले। लेकिन अगर 286 का बॉटम रह गया तो आप समझें आपका नसीब बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर ये इंडिकेशन देगा कि अब ये धीरे धीरे भले ही 6 महीना लगे, 1 साल लगे, लेकिन अपने बुल रन को रीगेन करेगा। ये इसकी डिटेल एनालिसिस आपको समझाने के लिए की, क्योंकि आपका लेवल खरीद का बहुत ऊपर है 383।
और अगर आप पूछेंगे स्टॉप लॉस लगाना, तो थियोरेटिकली तो जरूर लगाना चाहिए। तो अगर ऑल टाइम लो का बॉटम टूट जाता है 274 का क्लोजिंग बेसिस पे, कोई चारा नहीं, निकल जाना चाहिए। अदरवाइज आप वेट कर सकते हैं, आपके प्राइस के पास आ सकता है, उसके ऊपर भी जा सकता है, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत पेशेंस चाहिए जी। यहाँ पर थोड़ा चार्ट समझने की तकनीक पर जाते हैं। जैसा आपने शुरुआत में कहा कि इन्होंने गलत जगह खरीदारी की, अब इस चार्ट में मैं थोड़ा सा यहाँ पे छिपा देता हूँ, दरअसल बाद वाला हिस्सा जो है ना, अच्छा इसमें थोड़ा सा मान लीजिए कि चार्ट यहीं तक है जहाँ पर ये 200 मूविंग एवरेज पर टच कर रहा है, छू रहा है इसे। अगर सिर्फ यहीं तक देखें, उसके आगे की कहानी ना देखें, तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, जब ये 15 सितंबर को निकल रहा था 200 मूविंग एवरेज के ऊपर, तो हमें क्या दिख रहा था, हमें दिख रहा था कि 275 के आसपास बॉटम बनाया इसने, उसके बाद फिर इसने एक एक करके अपने सारे मूविंग एवरेजेज 20, 50 और अब 200 दिनों के मूविंग एवरेज को भी पार कर लिया है। तो यहाँ पर ये मुझे ब्रेकआउट पॉइंट के रूप में भी देखा जा सकता है इसको। ये जो टॉप बना यहाँ पर, ये टॉप बना है 396 के आसपास, तो जब भी ये 385, 86, 96, 90 इन सब के रेंज में था, वहाँ पर क्या दिख रहा था कि ये 20-day मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया, 50 के ऊपर आ गया, 200-day मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया, शॉर्ट टर्म में हाई टॉप हायर बॉटम का स्ट्रक्चर भी इन प्लेस है, और उससे पहले बहुत लंबा कंसोलिडेशन हो चुका है, यानी अब इसके दिन बदल रहे हैं। ये तो एक ट्रैप हो गए ना, मतलब ये बाजार ने गेम खेल दिया, इसमें उनकी गलती नहीं थी शायद। चलिए आपको ट्रैप से अभी निकाल लेते हैं, अभी एक काम करें, अपना फेवरेट काम कीजिए जी। आप 28 जुलाई का लो ले लीजिए और 29 अगस्त का लो ले लीजिए, नहीं उसके आगे जाइए, नहीं उसका 28 जुलाई का जी, हाँ उसका लो लीजिए और हाँ और उसके नेक्स्ट लो को ले लीजिए, ये वाला लो, दोनों को लेके एक ट्रेंड है। चलिए ये एक ट्रेंड लाइन बन गई, ठीक है, अब इसी को आप एक ट्रेंड चैनल में कन्वर्ट कर दीजिए जी, जो ऊपर वाला दो टॉप को लेके चला जाएगा, ठीक है, इसी के हिसाब से एक पैरेलल चैनल बना देते हैं। कुछ ऐसा बनेगा, थोड़ा सा और ऊपर ही जाएगा ये प्रेसिजन में। अभी हुआ क्या है यहाँ पे, पूरे के किसी भी एनालिसिस को लगा लीजिए जी। इसमें हाँ, ये जो आप देखें, ये चैनल अपवर्ड चैनल फॉलो कर रहा था, मैंने थोड़ी देर पहले अगर ध्यान हो तो मैंने बोला इसको 235 पे खरीदना था, 335 पे, कितने पे बोला था मैं जी, 335 पे खरीदना था। आप अगर ये चैनल का लोअर एंड देखेंगे, 335 कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट दिख जाएगा, उस पर आप थोड़ा सा अगर कर्सर रखेंगे और पीछे जाएंगे और पीछे जाएंगे और पीछे जाएंगे, जी भी खरीदने का लेवल ये नहीं है, पीछे जाइए एकदम और टाइम में पीछे यस जी। तो ये जगह है जहाँ पे खरीदारी का मेरे पैरामीटर पे ट्रिगर है, ओके। अब इस ट्रिगर में वो सिर्फ ट्रेडिंग बाई बनता था जो कि 200 EMA तक बनता, करेक्ट है। अब दूसरा मान लेते हैं कि किसी ने जाके अपर एंड ऑफ द चैनल पे ले लिया, ये सोच के कि ब्रेकआउट हो गया है, वो भी कोई गलत नहीं कर रहा अगर चैनल ट्रेड किया किसी ने, चैनल अगर किसी ने ट्रेड किया तो देखिए ना, फिर तो ये पूरा चैनल तोड़ के नीचे चला गया ना, तो हमारा स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होना बनता है ना। मैंने हर थियरी इसमें लगाने की अब बता दिया आपको, पहला 335 पे क्यों बाई बनता है ये भी समझ गया, दूसरा 383 पे क्यों बाई नहीं बनता है ये भी समझ गया, तीसरा अगर 385 पे फिर भी जबरदस्ती बाई करना ही है तो भी 330 के नीचे क्यों नहीं रखना चाहिए, देखिए आज भुगत रहे। तो इसलिए इसमें कोई, वो सारी थियरी यही कहती है कि ये फेल ट्रेड है, अब इसको फिर से सक्सेसफुल ट्रेड होने के लिए काफी टाइम लगेगा और इसमें रिजल्ट्स का बहुत सहारा लगेगा जी। तो कुल मिलाकर के मसला ये है कि 385 पे खरीदा भी तो उसके बहुत करीब का कोई एक स्टॉप लॉस होना चाहिए था, यानी अगर इस चैनल को भी ध्यान में रखें तो कहीं पर ये समझ में आ जाना चाहिए था, या 200 मूविंग एवरेज को भी ध्यान में रखते तो भी ये समझ में आ जाना चाहिए था कि जैसे ही 200 मूविंग एवरेज टूट गया, छूट गया, तो फिर उससे बाहर निकलना था तुरंत, इतने समय तक वेट नहीं करना था, इतना इंतजार नहीं करना था, तो फिर इतने नुकसान में नज़र नहीं आते। बाजार में गलतियां तो अक्सर होती हैं और बाज़ार अक्सर छकाता है, इसमें कोई
मतलब आप कहीं गलत ट्रेड में फंस गए, ये कोई शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है, ये होता रहता है बाजार में। उससे निकलना कैसे है, कितनी जल्दी निकलना है, ये बाजार में टिके रहने का सबसे मूल मंत्र है। और इस पर अगर आपने ध्यान दिया तो फिर आप आसानी से इस तरह के ट्रैप से बाहर आ जाएंगे।